जा रहा हूँ हॉस्टल से सीधा मार्केट, क्योंकि भाई आज कुछ मुझे भाई चिकन बनाना है, क्योंकि भाई हॉस्टल से कभी मैंने चिकन नहीं बनाया है, तो जा रहा हूँ मार्केट थोड़ी चिकन लेने और उसके बाद लाऊंगा और बनाऊंगा। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। अभी जो है भाई टाइम हुआ है कोई 5:35 और मैं जा रहा हूँ सिंपली मॉर्निंग वॉक करने। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो ही हॉस्टल के पास ही हूँ, तो आज जो है भाई बारिश नहीं हुई है और आसमान देख सकते हैं भाई अच्छी तरह से धूप आ रही है, सूरज भी निकल रहा है। तो मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक करने और भाई जो है थोड़ा थोड़ा जो है फॉग टाइप का माहौल है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी फॉग आ रही है। तो फील्ड में जो है आज कुछ भाई ज़्यादा ही भीड़ है, तो चलते हैं भाई रनिंग करते हैं। और अभी जो है मैं पहुंच गया अपनी कॉलेज के फील्ड पर और जो अपनी कॉलेज की एनसीसी है उसके सामने ही चल रहा हूँ। तो अभी जो है भाई सिर्फ 6 ही बजे, लेकिन भाई धूप जो है बहुत तेज आ रही है, तो बारिश आज बिल्कुल नहीं हुई क्योंकि धूप बहुत तेज आ रहा है, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर और पीछे भी। तो सिंपली भाई रनिंग जो है मेरी ख़त्म हो चुकी है, मैं यहाँ पर कुछ राउंड जो है भाई ऐसे ही चल लिया और उसके बाद भाई रनिंग करके सीधा हॉस्टल चला जाऊँगा। तो यहाँ की जो फील्ड है इसकी खासियत ये है कि भाई एक तरफ माउंटेन है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भाई हरी भरी जो है भाई पूरा खचाखच भरा है फील्ड की चारों तरफ हरी भरी पेड़ से। और भाई स्लोली स्लोली जो है हल्की हल्की भाई लाइट जो है अपने चेहरे पर आ रही है सुबह के वक्त, और भाई घूमने में भाई बहुत ही अच्छी लग रही है। तो भाई सुबह की ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, अगर आप भाई सुबह आकर घूमते हैं या भाई जॉगिंग करने आते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी भाई कि नेचर कितनी अच्छी होती है। अच्छी लग रही है यहाँ पर यार घूमने में, हल्की हल्की आप देख सकते हैं चारी और हरियाली आपको दिखेगी, पर फील्ड भी बहुत साफ सुथरा है यहाँ पर। रनिंग जो है मेरी ख़त्म हो गई है और मैं जा रहा हूँ सीधा हॉस्टल, क्यों रनिंग जो भाई बहुत ही अच्छी लग रही है यहाँ पर रनिंग करने के लिए, सिंपली बहुत काम है हॉस्टल में तो जा रहा हूँ सीधा हॉस्टल। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पर। उस टाइम के बाद जो मैं यहाँ पर पहुँच गया मेरे हॉस्टल पर और भाई पूरा पसीना हो गया है, बहुत पसीना आ रहा है। अभी जो है भाई देख सकते हैं पानी का टैंकर यहाँ पर खड़ा है, कल से खड़ा है क्यों मटर जो है ठीक है हो चुके हैं, लेकिन भाई आज जो है टैंकर खड़ा है और जो साफ़ सफाई हुई थी अब देख लीजिए एक बार कितनी अच्छी लग रही है। अभी जो है टाइम 8:30 हो गई है और मैं जा रहा हूँ हॉस्टल से सीधा मार्केट, क्योंकि भाई आज कुछ मुझे भाई चिकन बनाना है, क्योंकि भाई हॉस्टल से कभी मैंने चिकन नहीं बनाया है, तो जा रहा हूँ मार्केट थोड़ी चिकन लेने और उसके बाद लाऊंगा और बनाऊंगा। और आ रहा जो है धूप बहुत तेज आ रही है, आप देख सकते हैं बहुत धूप आज मैं बहुत ज़ोर से भाई आज जो है भाई मौसम थोड़ा गर्मी का मौसम चल रहा है ऐसे लग रहा है आज का मौसम कुछ ऐसा है भाई, बहुत तेज़ी से भाई धूप आ रहा है भाई, सूरज तो भाई बहुत तेज़ी से चमक रहा है आप, आज तो बहुत धूप आ रही है और अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि पसीना आ रहा है भाई। अभी इतने डर ही चला हूँ, देखता हूँ लिफ्ट विफ्ट मांगूंगा तो आराम से हॉस्टल में पहुँच जाऊँगा, गाड़ी एक आ रही है देखते हैं। बात यह है कि भाई चिकन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने घर में भी एक बार बनाया था, तो अभी हॉस्टल में सेकंड टाइम है ये, तो प्रॉब्लम कोई भी नहीं है भाई, जो भी सामान है मेरे पास मैं सिंपली उसमें ऐड कर दूंगा उसके बाद जो है बन जाएगी। अभी जो है मैं मार्केट पहुँच गया हूँ, देख सकते हैं कितनी धूप पड़ रही है यहाँ पर। अभी जो है चिकन लेकर भाई मार्केट से आ गया हूँ, हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन भाई गजब की गर्मियाँ जो हो रही है, हालत बहुत ख़राब हो रही है आज। तो भाई लो भाई अभी पहुँच गया हूँ हॉस्टल में,
तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मेरी जो टी शर्ट है पसीने से बिखे। लेकिन रास्ते में जब मैं आ रहा था भाई, अच्छी सी हरकत हुई मेरे साथ, तो मैं भाई सॉक्ड हो गया। तो भाई वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा भाई क्या थी वो हरकत, क्योंकि अभी मैं थक गया हूँ, आपको नहीं बता सकता, तो वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। अब देख रहे हैं ना, ये बिल्ली कितनी आराम से यहाँ पर सो रहा है और म्याऊं म्याऊं कर रहा है। देख सकते हैं अच्छी से कितनी प्यारी बिल्ली है यार। तो अभी जो है टाइम का भी 11 बज चुके हैं और मैं जो है हॉस्टल से सीधा रूम में आ गया हूँ और यहाँ पर जो है मैं बैठकर चिकन सिंपली बना रहा हूँ। और आज तो भाई बहुत अच्छे से खाएंगे, क्योंकि वही चिकन करी वही सेकेंड टाइम बना रहा हूँ। पता नहीं किसे बनेगी, बट जैसे ही बनेगी अच्छी बनेगी तो अच्छे से आज खाएंगे। आप देख लीजिए भाई, इस तरह चल रही है मेरी चिकन बनाने की प्रोसेस। पूरी की पूरी जितनी भी हो सके कम मसाला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाला जो है यूज करना भाई सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए कम से कम मसाला में भाई चिकन आज बन रही है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसके अंदर अभी चिकन मसाला जो है डाल दिए भाई। हॉस्टल में कुछ इस तरह से खाना बनती है, हमारी घर नहीं है कि अच्छे से बनाएंगे, हॉस्टल में भाई जैसे ही बनाना पड़ता है जैसे ही ऐसा ही कुछ बना देते हैं। बात ये है कि भाई मुझे कभी खाना बनाना नहीं आता, मैं घर में कभी भी नहीं खाना बनाया हूँ। तो सिंपली बात ये है कि हॉस्टल में भाई यह कंपलसरी बनाना पड़ता है, जैसा ही भाई आती है भाई बना देता हूँ। तो ये भाई कुछ एक्सपीरियंस नहीं है भाई, जब भी जो भी मन करता है डाल देता हूँ प्रोसेस के हिसाब से। भाई इतनी याद है कि इसके बाद तो बीच में भी अगर छूट गया तो उसके बाद डाल देता हूँ, नहीं तो भाई ऐसा ही बना देता हूँ। क्योंकि भाई खाना आप अगर खुद बनाए हो, टेस्ट बनाओ या ना बनाओ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है भाई, खा ही लेनी चाहिए। अगर नहीं खाओगे भाई, खराब बनाए नहीं खाओगे तो भूखे ही रह जाओगे, तो कंपलसरी खाना पड़ेगा। ये होती है हॉस्टल लाइफ। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। इसके अंदर भाई मैं अब भी डाल रहा हूँ कि जो है गर्म मसाला, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से यहाँ पर नीचे जो है थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़े सा ही पका लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा गरम मसाला, तो अब देख सकते हैं इतना सा ही पकाया है मैंने। मुझे ये नहीं पता कि इसको भाई जो डालने में कितना टेस्ट आता है और कैसा टेस्ट आता है, लेकिन सिंपली मेरे पास है तो मैं डाल देता हूँ, तो टेस्ट जो आएगा देखा जाएगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। गैस पर सिंपली रखने के बाद उसके बाद जो भाई खुशबू आती है ना, हंसते हंसते चिकन की महक जो आती है ना भाई, कत्ते ही चेहर भाई, भूख तो बहुत तेजी से लग रही है भाई। इससे जो स्मेल होती है ना भाई, इससे पता चल जाता है कि आपकी जो खाना है भाई कितनी टेस्ट बना है। किसी ने सोची ना होगी। अब भी जाऊंगा और ना कराऊंगा अच्छे से, उसके बाद कुछ ड्रेस जो है मुझे धोना है, क्योंकि उसके बाद आएंगे जब तक 15 मिनट्स में चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी, बहुत दिनों के बाद जो है बनाया है। अभी जो है टाइम 5 बज चुका है और मैं जा रहा हूँ मेरी कॉलेज के फील्ड में, आप देख सकते हैं। और आज जो है 2 बजे बारिश हुई थी 15 मिनट्स के लिए। तो अब उसके वजह से आप देख सकते हैं पूरी जो आसमान में काले बादल है, तो रात को जो है बारिश होने वाली है। तो मैंने मस्त से भाई चिकन बनाकर खा लिया है भाई। चिकन का टेस्ट तो भाई अच्छी थी और सब कुछ ठीक था, लेकिन थोड़ा नमक कम था, लेकिन भाई टेस्ट तो बिल्कुल ही अच्छी थी यार। यहाँ पर घूमने में बहुत ही मज़ा आता है, आप देख सकते हैं। आज ज़्यादा खेल नहीं चल रहा है, लेकिन भाई मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो है आसमान में काली बादल है और उसके वजह से तो है धूप नहीं पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो भाई मस्त से घूम रहा हूँ यहाँ पर, देख सकते हैं। तो आज जब 10 बजे मैं हॉस्टल में आ रहा था चिकन लेके मार्केट से, तो रास्ते में मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली जिसकी उम्र करीब 5 या 6 साल होगी। तो वो अचानक मेरे सामने आ गई और मुझे कहने लगी, भैया कुछ हेल्प कर दो और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मुझे एक सिंपली जेरक्स पेपर जो है दे दिया, उसमें कुछ लिखा था इंग्लिश में, बहुत सारा लिखा था इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। तो सिंपली एक सिग्नेचर था, मुझे नहीं पता किसकी सिग्नेचर और फेक या क्या कुछ है,
मुझे नहीं पता था, लेकिन भाई यहाँ पर लगा था 500 रुपीज़ देने के लिए, तो मेरे पास तो इतने नहीं थे। तो वो बच्ची जो थी भाई इतनी छोटी सी थी, लेकिन भाई इंग्लिश में मुझसे बात कर रही थी। मुझे नहीं पता यार कहाँ से उसने सीखी भाई, लेकिन एक बात है, लड़की तो एजुकेटेड है क्योंकि 5 साल की उम्र में इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही थी। तो उसको क्या मजबूरी होगी मुझे नहीं पता, तो सिंपली मैंने उसको कुछ हेल्प कर दिया। तो भाई ये भाई बात मुझे बहुत ही बुरी लगी, इतनी छोटी बच्ची है। तो भाई मैंने उससे कुछ सवाल किया, उससे पता चला कि वो जो है राजस्थान से आई है, उसके माँ के साथ या किसके साथ मुझे पता नहीं है। तो भाई छोटी सी बच्ची थी इसलिए मैंने हेल्प कर दी। पैसे को क्या है भाई, आता जाता रहता है, आज मेरे पास है कल और किसी के पास होगा, आज नहीं है तो कल आ जाएगी। लेकिन भाई किसी की हेल्प कर देना अच्छी लगती है, चाहे वो फेक हो या कुछ भी हो, भाई पैसा दे देने से क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो आता जाता रहता है, किसी की हेल्प हो जाएगी कुछ भाई, कोई तो मजबूरी होगी इसकी इसलिए इतनी धूप में पैसा मांग रही है, तो समझ रहे हो ना। सिंपली मैंने हेल्प कर दी। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जहाँ भी आपको इस तरह की सिचुएशन में मिले तो आप सिंपली हेल्प कर दीजिए, इतना मत सोचिए भाई। तो भाई फेक होगा तो ठीक होगा, ले ऊपर वाला देख रहा है, कोई बात नहीं भाई, आप सिंपली हेल्प कर देना, उससे आपको भी अच्छी लगेगी और उसके भी कुछ ही हेल्प हो जाएगा। अक्सर जो है मैं यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ फील्ड की, क्योंकि मेरे राइट साइड में जो है माउंटेन है और आप देख सकते हैं इस साइड में भाई चारों ओर हरियाली है, और यहाँ से भाई फील्ड देखने में कुछ बिल्कुल ही भाई खेल देखने में मजा लगती है। आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो है भी इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। जो है टाइम हो चुका है 6:30, आप देख रहे हैं आसमान में थोड़ी थोड़ी जो है कुछ इस तरह का भाई लाइट है, और जो यहाँ की लाइट है लाइट से सारी ऑन हो चुकी है आप देख सकते हैं। लेकिन भाई खुशी की बात है ये है भाई, ये जो भाई मौसम है ना भाई, सिंपली अपनी कान में जो ईयरफोन डाल दो और कोई अच्छे से गाना लगा दो और सिंपली फील्ड के चारों ओर जो है चक्कर लगाओ भाई, बहुत ही अच्छी लगेगी, मतलब भाई सुकून ही मिल जाएगा आपको। देख तो एक बार आप ट्राई करना इस मौसम में, इस तरह की अगर कभी मौसम होगी तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगा।